जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें एक धुन सुनाई दिया छठ का, तो हमने जानने का जिज्ञासा किया कि आखिर में गीत कैसा बज रहा है। तो मैंने आके देखा कि एक फौजी जो है छठ गीतों को बजा रहे हैं, तो मैंने तुरंत यहाँ पर आया और जानने का प्रयास किया कि जब एक फौजी बॉर्डर पर आता है, जब वो घर पर आता है, तो कैसा उसे महसूस होता है। ये हमारे रूपेश रंजन जी हैं और ये छठ के गीतों को बजा रहे हैं, और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इनको कब जिज्ञासा जगी और कैसे छठ गीतों के बारे में सोचते हैं, और स्पेशली जब कोई फौजी बॉर्डर पर आता है, जब वो उनको छुट्टी नहीं मिल पाता है, वो घर आने के लिए तरसते हैं, तो तब उन्हें कैसे लगता है। तो रुपेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप छठ का गीत बजा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। जब एक फौजी बॉर्डर पर आता है, वो घर आने के लिए प्रयास करता है, जब उसे छुट्टी नहीं मिल पाती है, तब उसे कैसा महसूस होता है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम, अभिवादन और जय हिंद करना चाहूँगा। इस बार छुट्टी मिली है छठ में, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो खरीदारी भी चल रही है। अभी देखिए जैसे कि हम ऊँख लेके आए हैं, तो वहाँ समय नहीं मिल पाता है, तो अभी मुझे मन किया कि थोड़ा सा छठ का गीत जो है बजाया जाए, इस पर थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, तो वही बजा रहा था। तो छठ का जब गीत बजता है ना, शारदा सिन्हा का गाना, तो एक अलग ही गुरुत्वाकर्षण काम करने लगता है। आप कहीं भी रहिए, देश में, विदेश में, नौकरी में, व्यवसाय में, अगर आप पूर्वांचल से हैं, यूपी बिहार से हैं, तो छठ का जैसे ही गीत बजता है तो कदम अपने आप जो है घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये ऐसा चीज़ है कि अगर ना जाने को मौका मिले तो बहुत अंदर से पीड़ा होती है। लेकर पिछले साल आप नहीं आए तो उसका कितना मलाल रहता है? देखिए, स्थिति परिस्थिति कभी कभी ऐसी बन जाती है कि छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो छुट्टी नहीं मिलती है तो एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि देश सेवा भी ज़रूरी है और छठ पूजा भी ज़रूरी है। अपना अपना भावनात्मक लगाव होता है। पिछली बार छुट्टी नहीं मिली, मैं आपको बता दूं, संजोग बस मैं बिहार में ही था, मेरी ड्यूटी बिहार में ही थी, तो बिहार में तो छठ पूजा होता ही है। जब दोपहर का टाइम हुआ, मैं देख रहा था लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे, कोई नया कपड़ा ला रहा है, कोई दौरा ला रहा है, कोई ऊख ला रहा है, और माइक पे शारदा सिन्हा का गाना बज रहा था। ख़ासकर जब शारदा सिन्हा का गाना बजता है तो अजीब सा रोमांच होने लगता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं हैं घर, खिंचाव सा होने लगता है कि हम भी चलें, खींचने लगता है, घर बुलाने लगता है, गांव बुलाने लगता है, छठ घाट बुलाने लगता है, ऐसा लगता है छठी माई बुला रही है, वो गांव के दोस्त यार, वो माहौल, छठ घाट, मन में जो है वही चित्र घूमने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब लोग अपने कपड़े निकाल के पहन रहे होंगे, नए कपड़े, दौरा सज गया होगा, लोग सर पे दौरा लेके अब छठ घाट में जा रहे होंगे, लोग अब घर से निकल गए होंगे, छठ घाट सज गया होगा, वहाँ लाइटें लगी होंगी, सजावट हुआ होगा, गोबर से लिपाई हुआ होगा छठ घाट का, गांव के जितने मित्र हैं, जो लोग बाहर रहते हैं या जो व्यवसाय करते हैं, सब अभी होंगे, सब लोग नए नए कपड़े पहन के छठ घाट पे उपस्थित होंगे, सब दिमाग में चित्रण चल रहा था। क्या बताएं, मतलब अंदर अंदर क्या फील हो रहा था, इस चीज़ को वो लोग फील कर सकते हैं जो लोग इस बार छठ में नहीं हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे फौजी के चलते हम आम नागरिक सुरक्षित हैं, क्योंकि आज देखा जाए जब भी पर्व त्यौहार होते हैं तो फौजी अपने देश की रक्षा करने के लिए सबसे पहले देश सेवा ज़रूरी होता है। एक देश भी घर है, दूसरा ये भी घर है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है देश सेवा, और उसके बाद हर फौजी का मलाल तो ज़रूर होता है, लेकिन सलाम करता हूँ आपके जज्बे को कि पहले देश सेवा को की तत्परता आप लोग रखते हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थे रुपेश रंजन जी, और खुद आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे एक फौजी का इमोशन छठ को लेकर होता है, जब उसे छुट्टी नहीं मिल पाती है, वो क्या सोचता है, आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उन फौजी भाइयों के लिए थी
और एक फौजी भाइयों के लिए हमने सोचा कि जब वो घर पर नहीं आ पाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, एक फौजी की जुबानी जाने।